आज की डेट में अपन बात करेंगे एफएल इंडिया की। एफएल इंडिया में आज की डेट में अराउंड 3% का धमाका देखने के लिए मिला है। हालांकि मार्केट में गिरावट है उसके बावजूद और स्टॉक ने अगेंस्ट इस रिसेंट हाई को ब्रेकआउट दिया है 1020 के, जहां से रिजेक्शन लिया था अब उसे ब्रेकआउट दे चुका है। एक पॉजिटिव सिग्नल है, अभी और अपसाइड ऊपर की ओर एफएल इंडिया दिखा सकता है। अभी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, स्टॉक के ट्रेंड पर अगर नज़र डाली जाए तो लगातार अप ट्रेंड में 80 के लेवल से, और ये टारगेट पहले वीडियो में डिस्कस भी किए थे। जब स्टॉक गिरावट में था तब कहा गया था क्या अगेन आपको स्टॉक 980-975 से बाउंस बैक करते नज़र आ सकता है, ऐसा पहले वीडियो में अपना डिस्कशन हो गया था। अभी और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, अभी 1040 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे पहले आपने देखा था कि 940 यहाँ कंसोलिडेट हुआ था स्टॉक, और 940 का ब्रेकआउट देने के बाद 980 के और 1000 के टारगेट देखने के लिए मिले थे। 1040 के पास रिजेक्शन फेस कर सकता है स्टॉक। अगर 1040 के लेवल से सेलिंग प्रेशर आता है तो 1020 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ये इधर सपोर्ट का काम करेगा। 1020 के लेवल से अगेन बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सबसे आखिरी और तगड़ा सपोर्ट रहेगा 980 का लेवल। जब तक 980 के ऊपर है तब तक एफएल इंडिया टेक्निकली बुलिश है। अगर 1040 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 1080 से लेके 1100 तक की लेवल एफएल इंडिया दिखा सकता है।